हेलो फ्रेंड्स, डेली एस्ट्रो टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर शुक्र यानी कि वीनस कुंडली के फोर्थ हाउस में है तो इसका क्या परिणाम प्रभाव हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे जातक के पास धन, बुद्धि और वाणी, ये सारी चीजें होंगी। कारें, एक आलीशान घर, और जिसे हम कहते हैं हर मटेरियलिस्ट चीज, भौतिक सुख, ये सब होगा ऐसे जातक के पास। समाज में कुछ ऐसे अच्छे कार्य करता है कि रिस्पेक्ट होगी, काफी लोग इसका मान सम्मान करते होंगे ऐसे जातक का। सुगंधित और फ्लेवर्ड टेस्टी चीजें या स्वीट्स खाने का शौकीन होगा ऐसा जातक। ऑन द अदर हैंड, ऐसा हो सकता है कि सेम टाइम पे ऐसे जातक की दो पत्नियां हो, तो उसके लिए रेमेडी दोस्तों ये करनी है, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पत्नी से ही दोबारा मंदिर में जाके शादी कर लें, तो इससे जो सेकंड मैरिज है उसे अवॉइड किया जा सकता है। उसमें कोशिश करें अगर हो सके तो जस्ट एज ए टेम्परेरी नेम अपना वाइफ का चेंज करके दोबारा शादी कर लें। अगर नेम नहीं भी चेंज कर पा रहे हो कोई इशू नहीं है, मंदिर में जाके दोबारा शादी कर लें, तो दूसरी पत्नी का कोई योग नहीं है, अपनी पत्नी से ही दो बार शादी कर लें, तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ फोर्थ हाउस के ऊपर में डिटेल्स हैं। बैड एस्पेक्ट की बात करूं तो दोस्तों, रिलेशनशिप विद वाइफ और मदर, इनमें कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। औरतें, स्त्रियां ही इसका डाउनफॉल होंगी ऐसे जातक का। पत्नी के हेल्थ रिलेटेड इशू रह सकते हैं, और यहां तक देखा गया है कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें चाइल्डलेस रहने तक की नौबत आ सकती है। तो ये कुछ बैड एक्सपेक्ट है। और रेमेडी की बात करूं तो दोस्तों, एक तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि अपनी ही पत्नी से दो बार शादी करें, दो बार मीन द सेंस सेकेंड टाइम में मंदिर में जाके माला वरमाला डाल के दोनों शादी कर लें, जिससे सेकंड मैरिज को अवॉइड किया जा सकता है। घर की छत बिल्कुल क्लीन रखें, कोई भी लोहा या लकड़ी या वेस्ट मटेरियल जो भी हम कह सकते हैं घर की छत के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो पत्नी की हेल्थ को इफेक्ट करेगा सीधा सीधा, इन चीजों को अवॉइड करें। तीसरा, ऐसा जातक लाल कलर का रूमाल हमेशा अपने पास रखे, और हर दिन पॉसिबल है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो हर अल्टरनेट डे या 2-3 हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन बार शहद का 1 चम्मच मॉर्निंग में ले। और बृहस्पति के चीजों के रिलेटेड चीजों का दान करें, और केसर के तिलक का तिलक भी करें। तो ये दोस्तों फोर्थ हाउस के ऊपर में गुड और बैड एस्पेक्ट थे, प्लस उसकी रेमेडीज थी। भगवान आपका कल्याण करे। यहीं पे मैं फोर्थ हाउस की वीडियो समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो मैं शुक्र के फिफ्थ हाउस के ऊपर लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।